गोरखपुर दौरे पर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को लखनऊ प्रस्थान करने के पहले गोरखनाथ मंदिर परिसर स्थित हिंदू सेवाश्रम में 170 की संख्या में महिला पुरुष फरियादियों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने अपराध व जमीन विवाद संबंधी शिकायतों को लेकर आए फरियादियों को आश्वस्त किया, घबराइए मत, सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान मुख्यमंत्री साथ चल रहे अधिकारियों को प्रार्थना पत्र की पत्रियां उसके अधिकार क्षेत्र के साथ सौंपते रहें और कार्रवाई के लिए जरूरी दिशा निर्देश देते रहें। सोमवार को जनता दर्शन में राजस्व एवं पुलिस संबंधित काफी शिकायतें आई थी। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि जमीन की पैमाइश और राजस्व संबंधी मामलों का तहसीलों में निस्तारण तेज किया जाए, जहां जरूरत पड़े पुलिस बल भी साथ लिया जाए। उन्होंने थानों और तहसीलों में समस्याओं के गुणवत्तापूर्ण समाधान के प्रति अधिकारियों को निर्देशित किया। सोमवार की सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मठ से बाहर आए तो शिव अवतारी गुरु गोरक्षनाथ का दर्शन कर पूजन किया। उसके बाद अखंड ज्योति के दर्शन कर ब्रह्मलीन गोरक्षपीठाधीश्वर महंत दिग्विजयनाथ एवं महंत अवैधनाथ की समाधि पर मत्था टेक कर आशीर्वाद लिया। उसके बाद गौशाला में पहुंचकर तकरीबन 20 मिनट तक गौ सेवा की। सीएम योगी आदित्यनाथ को गौशाला में देख स्वतः स्फूर्त भाव से बछड़ों ने उन्हें घेर लिया। सीएम योगी ने दुलारते हुए उन्हें गुड़ और चना खिलाया। सीएम योगी आदित्यनाथ मंदिर भ्रमण करते हुए साधना भवन पहुंचे तो उन्होंने कालू और गुल्लू पर भी अपना प्यार लुटाया। कालू और गुल्लू भी उनसे मिलकर प्रसन्न थे। सीएम योगी ने स्नेहिल भाव से दोनों को पुचकारा।